वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा मंगलं भगवान विष्णु। तुला राशि वालों, सोमवार का दिन 15 नवंबर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि वज्र योग उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 6:09 तक, उसके बाद रेपती नक्षत्र आरंभ होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि और बृहस्पति के प्रभाव से आप प्रभावित होंगे, जबकि चंद्रमा की शुभ दृष्टि आपकी कुंडली पर दिखाई देगी। वहीं राहु शुक्र और बुध की दृष्टि होगी। शाम 6:09 के बाद जब रेपती नक्षत्र आरंभ होगा, उस समय बुध के प्रभाव से आप प्रभावित होंगे। आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि और बृहस्पति का प्रभाव, आज आपका व्यक्तित्व सुंदर होगा। आज शनि और बृहस्पति के कारण आपके जीवन में समृद्धि और धन का योग है। आज अपने बुद्धि विद्या से, अपने जीवन में, अपने परिश्रम से आप अपने इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। आज बृहस्पति और शनि के कारण आपकी इच्छाएं भी बढ़ी हुई होगी। मन में अच्छे विचार आएंगे। आपके मन में उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का इच्छा जागृत होगा। महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, समृद्धि, धन का इच्छा बढ़ चढ़कर सामने आएगा। आज हर तरह के काम को करने में आप सक्षम होंगे। आज जीवन में उन्नति का अवसर, तरक्की का सुख, समृद्धि, धन, यानी आज आपके जीवन में लाभ का योग है। जब भी बृहस्पति और शनि का प्रभाव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में तुला राशि वालों के लिए सफलता का योग बनाता है, आप कठोर परिश्रम करके, अपने कार्य के प्रति समर्पित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। किसी भी काम को बीच में छोड़कर जाना आप पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आज राहु शुक्र और बुध की दृष्टि है। अपने करियर में आप ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं। खास करके जीवन साथी के प्रति आपका आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। जीवन साथी आपको बहुत प्रिय मन को भाता है। आप जीवन साथी का सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तन मन से जीवन साथी से अपने इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो आज स्त्री का सुख, स्त्री से लगाव, मेहनत के कारण तरक्की उन्नति, यानी जीवन में सुख धन समृद्धि का योग। 18 वर्ष और 19 वर्ष की आयु के जो लोग हैं, अपने जीवन में नौकरी व्यापार के प्रति मन में विचार उत्पन्न होता है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मन में धन कमाने की इच्छा जागृत होती है। लेकिन 21 वर्ष से ऊपर और 28 वर्ष के बीच के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। 28 वर्ष से ऊपर और 35 वर्ष के बीच के लोगों के जीवन में मेहनत से भाग्य चमकने का योग बनता है, और 35 वर्ष से ऊपर 42 वर्ष के बीच के आदमी में जीवन में लाभ का योग बनता है। जीवन की कठिनाइयां दूर होती है। आज आपके जीवन में बहुत लाभ, सुख धन प्राप्त होगा, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन सुंदर होगा। आज्ञाकारी स्त्री होगी जो जीवन का सुख देगी, प्यार देगी। सुखी जीवन, समृद्ध जीवन, सुखी परिवार, संतान की उन्नति, सब कुछ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्राप्त होता है। तो अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र चल रहा है, जिसमें चंद्रमा की छाया है, राहु शुक्र बुध की दृष्टि है, शनि और बृहस्पति का प्रभाव है।
आज ये शनि और बृहस्पति के प्रभाव में सूर्य का जो गोचर है वो आपको पराक्रमी बनाता है। सूर्य जो आपके लग्न में मंगल और बुध के साथ गोचर कर रहा है, आज बुध भी सूर्य के साथ आपको पराक्रमी बना रहा है, क्योंकि बुध आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। जब वो सूर्य के साथ लग्न में गोचर करता है तो उत्तम फल देता है, राजयोग देता है, जीवन में उन्नति देता है, तरक्की और धन देता है, क्योंकि बृहस्पति के मित्र ग्रह सूर्य मंगल और चंद्रमा हैं। तो आज सूर्य और मंगल की स्थिति आपके लग्न में बुध के साथ और भी सुंदर दिखाई दे रहा है। बुध जो भाग्य स्थान का स्वामी है उपलब्धि देता है, आपके गृहस्थ जीवन में सुख देता है, आपके जीवन में उन्नति देता है, लाभ देता है। वही शुक्र आज शुक्र आपकी कुंडली के तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। शुक्र जो लग्न का स्वामी है पराक्रम के घर में बैठा है, जिसके कारण संपूर्ण सुख आज आप प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बृहस्पति की दशा आपके जीवन में समृद्धि लेकर आता है। तुला राशि वालों, आज का जो दिन है वो दो भागों में बटा है। 6:09 के पहले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और 6:09 के बाद रेती नक्षत्र, यानी बृहस्पति के साथ शनि और बृहस्पति के साथ बुध काफी प्रभावशाली। आज आपके चाहने वाले भी बहुत होंगे, आदर सत्कार सम्मान भी मिलेगा, आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, भाग्य बदलेगा, मेहनत का परिणाम मिलेगा। आज जीवन में सुख धन प्राप्त करेंगे, अपनी योग्यता के अनुसार जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आपके जीवन में जो असफलता और निराशा थी, आपके जीवन में जो दुख और बाधाएं थी, सब खत्म होगा, सब कुछ समाप्त होगा, समस्या चिंता अपने आप समाप्त होगी और आपके जीवन में एक नया सवेरा, आपके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण, एक नई शुरुआत जो आपको आगे बढ़ाएगा, समृद्धि सौभाग्य से आपको परिपूर्ण बनाएगा। जीवन की हर चुनौती से हिम्मत से आप काम लेंगे, हर मुश्किल का सामना करेंगे और अपने जीवन में लाभ और धन अर्जित करेंगे। यहीं से आपका भाग्योदय आरंभ होगा। कर्म करते जाएं, भाग्य बदलता जाएगा, लेकिन जब रेपती नक्षत्र शाम 6:09 के बाद बृहस्पति के साथ बुध जो लग्न में बैठा है, बृहस्पति जो सुख स्थान में है, कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव देगा, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देगा। अपने जीवन में आप अच्छे निर्णय लेंगे और आगे बढ़ेंगे, छल कपट से दूर, जीवन का सुख और समृद्धि, कार्य के प्रति निष्ठा, यही तो जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। आज बुध जो लग्न में बैठा है सूर्य के साथ सुखों को बढ़ाएगा, आपको विजयी बनाएगा। बृहस्पति उत्तम फल देगा, वहीं शनि जीवन की बाधाओं को दूर करेगा। तुला राशि वालों के लिए आज शनि बृहस्पति का प्रभाव, चंद्रमा की छाया, राहु शुक्र बुध की दृष्टि, प्रेम प्रसंग में खुशियां मिलेगा, जीवन की परेशानी खत्म होगी, आत्मविश्वास अच्छा होगा, किस्मत बदलेगा, भाग्य चमकेगा, कार्य में सफल होंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन का आनंद, शक्ति समृद्धि के साथ आगे बढ़ना। आज भाग्य को बदलना है, जीवन में अच्छे अवसर आना है, किसी नए काम की शुरुआत करना है, तो आज का दिन सुंदर है, आपके भाग्य को चमकाएगा, आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाएगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, आप समृद्धशाली होंगे, क्योंकि रेपती नक्षत्र धन का नक्षत्र है जो आपके जीवन में सुखों का भोग कराता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपके जीवन में
भय और संकट दूर होते हैं, आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है, तो आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ है, सुंदर है। आज का राहु काल 8:04 से 9:25 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। आज आपके लिए विजय मुहूर्त 1:53 से 2:36 विजय मुहूर्त में आप आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में खुशियों को पाएंगे, अपने जीवन में तरक्की करेंगे और अपने जीवन में खुश रहेंगे। आज रात्रि 8:27 से 10:05 का समय बुध आप पर मेहरबान होगा, जिसके कारण जीवन की रुकावटें खत्म होगी। आपके जीवन में लाभ का योग है, तरक्की का योग है, धन कमाएंगे, उन्नति करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। ये समय आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा, आपके जीवन में सौभाग्य धन लाभ लेकर आएगा। तो तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बड़ा समृद्धशाली है, शुभ दिन, अच्छा समय, एक नई शुरुआत। ग्रहों के संयोग से भाग्य बदलता है, समय बदलता है, तो आज आपका भाग्य भी बदलेगा, आपके जीवन में भी शुभ ऊर्जा आएगा, आपके सारे काम सफल होंगे, खुशियां बढ़ेगी, भाग्य चमकेगा, आपके जीवन में लाभ का योग है, तरक्की का योग है, उन्नति का योग है, सुख का योग है। तो आज समय अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करें तो समृद्धि देखेंगे, सुख पाएंगे, शांति संतुष्टि और धन लाभ का सुख भोगेंगे। तो तुला राशि वालों, ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार जय श्री राम बोलें। आपके जीवन में लाभ का योग है, सुख का योग है। तो तुला राशि वालों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा मंगलं भगवान विष्णु। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।